नमस्कार दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर हैं और जिनका चैनल मोनेटाइज है उनमें से कई लोगों के पास एक मेल आया हुआ है। मेल में ये बताया गया है कि आप अपना यूएस टैक्स फॉर्म जो है उसको दोबारा से फिल करिए। रीसबमिट करने का ऑप्शन दे दिया गया है, जो पुराना वाला था उसकी एक्सपायरी डेट भी दे दी गई है कि फलाने डेट को आपका यूएस टैक्स फॉर्म की जो डिटेल्स है वो एक्सपायर हो जाएगी, तो इस डेट से पहले आप अपने यूएस टैक्स फॉर्म को भर लीजिए। कई लोगों के पास जो मेल आया उसमें ये बताया गया है कि 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको भरना जरूरी है। तो कई लोगों के ये सवाल है कि क्या सभी लोग को भरना है, तो बता दूं मैं आपको कि जिनके पास मेल आया हुआ है सिर्फ उन्हीं को भरना है, जिसके पास मेल नहीं आया है उसको नहीं भरना है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपने ईमेल पर ध्यान न दिए हों या उनको किसी भी तरह से यूट्यूब की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन न आया हो, तो वो एक काम ये करें कि अपना एडसेंस खोल लें। एडसेंस खोलने के बाद जब वो पेमेंट डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे उनको यूएस टैक्स फॉर्म की जो एक्सपायरी डेट है वो दिख जाएगी। एक्सपायरी डेट अगर आपको दूर का है तब मत भरिएगा। अगर 31 दिसंबर 2024 का अगर एक्सपायरी डेट दिया हुआ है तब आपको भरना जरूरी है। मेरे पास किसी भी तरह कोई मेल नहीं आया क्योंकि मेरा जो एक्सपायरी है उसमें अभी काफी ज्यादा लंबा समय बचा हुआ है। तो ये जो फॉर्म है वो सभी लोग को भरना नहीं है, जिनके पास मेल आया है उनको भरना है। जिनको डाउट है कि यार हो सकता है कि मेरे पास मेल आया हो, मैं चेक न कर पाया हूँ या फिर मैं देख ना पाया हूँ या फिर मेरे पास मेल ही नहीं आया, तो वो अपना एडसेंस अकाउंट खोल के चेक कर लेंगे। अगर 31 दिसंबर डेट दिया गया है तब तो वो भर लेंगे, अगर नहीं दिया गया है, कोई और डेट दिया है, किसी और साल का डेट दिया गया है, तो फिर आपको भरने की जरूरत नहीं है। आपको फिर उस मेल का इंतजार करना पड़ेगा जो मेल आने वाले टाइम में YouTube आपको भेजेगा, उसके बाद से आपको भरना नहीं भरना है उससे आपको जानकारी मिलेगी।